अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट और मैं हूं अमार बुखारी। टुडे वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू अ बिट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। बिलाल मुझे पिकअप करने आ चुका है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टॉप इट यार। बिलाल ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए तैयार है? तू शक्ल से लग तो नहीं रहा। क्यों? एनर्जी डाउन है मेरी, नाश्ता भी मैंने ठीक से भी नहीं किया। देखिए जी, ये जो एनर्जी होती है ना, ये तो गॉड्स गिफ्ट होती है, ये ऊपर से नाजिल होती है। बिलाल साहब की जो एनर्जी है ना, वो खाने से आती है, जो कि साइंटिफिक एनर्जी है, जो कि ऑब्वियसली आपको यू नीड फ्यूल फॉर लाइफ ना, आपको गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है। तो लें जी, बिलाल के साथ होगी आज ब्रेनस्टॉर्मिंग चैनल को लेकर, बड़ी सीरियस किस्म की। लेकिन उससे पहले चलेगा कुछ खाना पीना। बिलाल साहब की रिकमेंडेशन पर हम लोग जा रहे हैं कुछ दाल चावल खाने, बड़े स्पेशल किस्म के कश्मीरी दाल चावल। जूं जूं हम खाने की मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं, बिलाल के चेहरे पे मुस्कुराहट आती जा रही है। बिलाल के चेहरे के तासरात मुझे देखे, मैं नॉर्मल बैठा हूँ, इसे देखे ये। मुझे डर ये है कि दाल चावल खत्म हो गए होंगे तो शायद हमें बिरयानी भी खानी पड़ सकती है। देखिए मेरे दोस्त के छोटे छोटे गम, आपको ये फिक्र होगी कि यार मेरी सैलरी कम हो जाएगी, मैंने बच्चे कैसे पालने हैं, किसी की कोई फिक्र है। मेरे दोस्त की फिक्रें देखें, इतनी क्यूट फिक्रें हैं। यार मुझे ये टेंशन है कि दाल चावल ख़त्म ना हो जाए। यार नहीं ख़त्म हुए हुए तो तुमने जाके कर देने। यार एंड डिले कंटिन्यूस। यार जल्दी करो, हेलो हटाओ गाड़ी, यार मेरे दोस्त ने खाना खाना है। जीप यार तू सायरन ऑन कर। यार तू ना अपनी गाड़ी की छत पे हूटर लगवा ले, सायरन, वो एम्बुलेंस वाला, जब तूने खाना खाने जाना हुआ करे ना तो सायरन ऑन करके चला जाए कर, ताकि तू जल्दी पहुंच जाए। यार जिंदगी मौत का मसला ही है। यार इन्हें पता नहीं है कि मेरे अंदर से जब हूटर की आवाजें आना शुरू हुई ना, खाली पेट से इधर लोगों को लग पता जाएगा, क्योंकि तुझे पता है मेरा हूटर दोनों सिचुएशंस में काम करता है। या तो मैंने बहुत ज्यादा खाया हो या फिर बिल्कुल ना खाया। बिलाल विल मेक श्योर दाल चावल अवेलेबल है। हां एग्जैक्टली, यार मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है। यार दाल चावल है? यस सर, है सर, है। ठीक है, ओ यस है दाल चावल। चाचा जी हाफ भी स्पेशल होते हैं सर, आपको स्पेशल कर देंगे। और दसो क्या कहेंगे तो मसला ही चाचा जी के भी लो। यार यार मैं चाचा जी से बड़ा प्यार मोहब्बत है, जरा दूर रह के, क्योंकि कोरोना है ना इस वजह से। सर अल्लाह के भरोसा से कुछ नहीं होता। क्या बात है, ओए होए होए, चाचा जी ने लेसन फॉर लाइफ दे दिया। यार दो दो स्पेशल चाचा जी, दो स्पेशल दाल चावल। हाँ चाचा जी, स्पेशल नहीं, स्पेशल स्पेशल स्पेशल। अगर आप लाहौर में रहते हैं ना, तो आपको स्पेशल और स्पेशल, क्वालिटी और क्वालिटी का फर्क समझना होगा। कुछ चीजें बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, कुछ चीजें बहुत स्पेशल होती है। ये वो यार, इसके चावल ज्यादा मेरे काम में यार। आप और मेरे लो जी, अंडा अचार शामी, और ये स्पेशल जी ऊपर मक्खन का तड़का। आया अच्छा, इसमें जी चावल है, अंडा है, शामी है, दाल है और आलू भी है। आलू कहाँ से आ गया है? दाल चावलों के साथ सरेआम ज्यादती हो रही है, ये आपके सामने आ रहा है। दालों को ना यार, दाल चावल खाने का तरीका ही है, ये देखें, ये पहले ऐसे मिक्स किया, ये ऐसे हाथ में मला, हाय हाय हाय, और दूसरे के दिल खराब किया, हाय हाय यार, और खा लिया। फूड व्लॉगर्स का तो बड़ा देखते हो, जब वो टेम्पटिंग से बनाते हैं, अपना बंदा खाए तो तुम लोगों को सब। ओए होए हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। खाना खा लिए, बिलाल की एनर्जी जो है ना, इट्स अप फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। बट मैं ये समझता हूँ कि जो एक आर्टिस्ट होता है ना, उसका और चाय का एक बड़ा गहरा ताल्लुक होता है आपस में। क्रिएटिविटी आमद चाय या कॉफ़ी के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। जब तक चाय का कप पास ना पड़ा हो ना, एक आर्टिस्ट का दिमाग काम कर ही नहीं सकता। अच्छा वैसे एक बात तुमने नोटिस की है, तो चाय खानों का भी कोई नेक्स्ट लेवल किस्म का अन्य वा ट्रेंड नहीं आ गया CNG स्टेशन की तरह? चाय खानों का और चाय खानों के साथ कव्वाली का। हाँ कसम से, जैसे आज से कुछ अर्सा पहले, मतलब कुछ 10-11 साल पहले होता ना, हर जगह CNG स्टेशन खुल रहे थे, कसमें इट पुटो नीचे से चाय खाना निकल आता। अभी एक टाइम पे जी कॉमेडियंस का एक बड़ा फ्लो आ गया था, सारे स्टेज कॉमेडियंस टीवी पर आकर हर टॉक शो में बैठ गए थे। हाँ अब ना माशाल्लाह, मुझे लगता है कि अल्लाह ने ना हमारे कव्वालों हजरात की, खान साहिब की सुन ली और मैं तुझे क्या बताऊं, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। 5-6 महीने में मजीद अगर स्ट्रीट लाइट डाला चला तो मेरे भी ना अचकन उचकन पहन के पहुंच जाना। कौन दिया कर रहे खरीद रहा हूँ, तो चला ना ऊपर चलते हैं। वो नहीं, वो बड़ी लेट हो जाएगा, मुझे वॉशरूम मिल गया इमरजेंसी हो।
जो है ना मेरे अंदर का क्रिएटिव आर्मी वो अब जागेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग का सीन ऑन है, बहुत हैवी किस्म की आमदें हो रही हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन वो आइडियाज़ क्या हैं ये अगर आप चैनल को देखते रहेंगे तो आपको आगे वीडियोस में पता चलता जाएगा। आई थिंक इट्स नाउ टाइम टू एंड द व्लॉग। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली को बोलें वो भी सब्सक्राइब कर लें। क्या ख्याल है बिलाल सर? और अगर आपको बल्कि वीडियो पसंद भी नहीं ना आ रही तो ऐसा करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट बॉक्स में अगर हमें गालियाँ दें। एग्जैक्टली, ओए फजूल बातें कर रहे हैं, सॉरी चलेंगे बात। So inshallah we will be back soon with another video. Till then, look after yourself, stay home, stay safe. Khuda hafiz.